इंडिया लेजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का यहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के एक मैच में पुराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ आतिशी पारी खेलते हुए सिर्फ 30 गेंदों पे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सचिन ने कुल 37 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें एक सिक्सर और 9 चौके शामिल थे। इस मैच में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि तूफानी ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और इस वक्त भारत का स्कोर सिर्फ 16 रन ही था। इसके बाद सचिन ने दूसरे विकेट के लिए एक बद्रीनाथ के साथ 95 रन जोड़े थे। सचिन जब आउट हुए तब टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 111 रन बना लिए थे। बद्रीनाथ भी पूरे रंग में दिख रहे थे। उन्होंने 34 गेंदों पर 2 सिक्सर और 4 चौकों की मदद से 52 रन बनाए, लेकिन वो रिटायर हार्ट होकर पवेलियन लौट गए। यूसुफ पठान ने भी 2 सिक्सर और 2 चौकों की मदद से 10 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। इसके बाद युवराज सिंह ने 22 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाकर सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने 2 चौके भी लगाए। 52 रन की नॉट आउट पारी खेलकर टीम का स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इंडिया लेजेंड्स ने इस मैच में 20 ओवर में 3 विकेट पर 204 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम 7 विकेट पर 148 रन ही बना पाई। यूसुफ पठान ने 3 और युवराज सिंह ने 2 विकेट हासिल किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।